इसी तरह से पृथ्वी का जो मुख्य अपना एक उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करता हूं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का डायामीटर या व्यास 3,485 किलोमीटर है। चंद्रमा की परिधि 10,945 किलोमीटर है। चंद्रमा के कक्षा की परिधि की अगर अपन बात करें तो ये 24,00,000 किलोमीटर है। चंद्रमा के घनत्व की बात करें तो ये 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करें तो ये 7×10^19 टन इसका द्रव्यमान है। और चंद्रमा का घूर्णन काल 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट है। इसी तरह से चंद्रमा के परिक्रमण काल की बात करें ये 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट, ये जो घूर्णन काल आपको बताया। चंद्रमा के कक्षीय वेग के बारे में अगर अपन बात करें तो ये 1.03 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी से जो चंद्रमा का दृष्टिगोचर यानी कितना हमको चंद्रमा दिखता है, तो पृथ्वी से हमको चंद्रमा का केवल 59% हिस्सा दिखता है और पृथ्वी से जो चंद्रमा का अदृश्य भाग है वो रिमेनिंग 41% है। तो ये चंद्रमा से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां मैंने आपके साथ साझा की। पृथ्वी से सूरज की औसत दूरी को जैसा अपन ने पहले माना कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो उसको एक खगोली एकक मानते हुए अगर एक यूनिट उसको माने, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को एक खगोली एकक एक यूनिट माने, तो उसके सापेक्ष दूसरे ग्रहों की स्थिति को अगर अपन देखें तो वो खगोली एकक में कितनी होती है, तो बुध जो है सूरज से 0.387 एकक है, इन रेफरेंस टू 1 जो हमने पृथ्वी के साथ उसको आके बताया था। तो बुध जो है सूरज से 0.387 एकक की दूरी पर है। शुक्र 0.723 खगोली एकक की दूरी पर है, पृथ्वी को हमने बताया जैसे एक खगोली एकक की दूरी पर है। मंगल, उसकी अगर खगोली एकक में दूरी मापें अगर एक को सापेक्ष मानते हुए, तो सूरज से मंगल की जो दूरी है वो 1.524 खगोली एकक है। बृहस्पति सूरज से 1.203 खगोली एकक की दूरी पर है। शनि 9.539 खगोली एकक की दूरी पर है। वारुणी 19.19 खगोली एकक की दूरी पर है और वरुण 30.07 खगोली एकक की दूरी पर है। अगर इनके औसत घनत्व के बारे में अगर अपन बात करें तो जल के घनत्व को इकाई मानते हुए अगर अपन चर्चा करें तो सूरज का जो औसत घनत्व है वो 1.41, बुध का 3.73, शुक्र का 5.21, पृथ्वी का 5.52, मंगल का 3.94, बृहस्पति का 1.34, शनि का 0.69, वरुणी का 1.36 और वरुण का 1.32। इन सब में अगर अपन देखें तो पृथ्वी का जो 5.52 है वो पूरे सौरमंडल में सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया है। परिक्रमण काल पृथ्वी की एक इकाई को जैसे अपन कहें कि 365 दिन का है, तो पृथ्वी का जो इकाई मानकर पृथ्वी का जो दिन है उस हिसाब से अगर बात करें तो परिक्रमण काल बुध का 88 दिन, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी का जैसे मैंने आपको कहा 365 दिन, मंगल का 1.88 वर्ष, बृहस्पति का 11.86 वर्ष, शनि का 29.46 वर्ष, वरुणी का
84.02 वर्ष, वरुण का 164.8 वर्ष, ये इनके परिक्रमण काल है। अब यदि गुणन काल की बात करें तो पृथ्वी के एक इकाई मानकर इस रेफरेंस में अगर अपन बात करें तो सूरज का गुणन काल 25 दिन, बुध का 88 दिन, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी का जैसे पहले मैंने आपको बताया 23 घंटे और 56 मिनट, मंगल का 24 घंटे और 37 मिनट, बृहस्पति का 9 घंटे और 50 मिनट, शनि का 10 घंटे और 14 मिनट, वरुणी का 10 घंटे और 48 मिनट और वरुण का 15 घंटे और 40 मिनट। ये सौरमंडल की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो आंकड़ों के हिसाब से स्टेटिस्टिक्स के रूप में आपको बताई, कुछ विशेषताएं सौरमंडल की। कल जैसे मैंने कहा हेलियोसेंट्रिक है, तो सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य है, वो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। इसके अलावा प्रत्येक ग्रह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है और ये घूर्णन की दिशा सूर्य के घूर्णन की दिशा के ही अनुरूप है। यही दिशा संपूर्ण सौरमंडल के घूर्णन की सामान्य दिशा है, लेकिन अपवाद केवल यूरेनस के साथ है, वरुणी। अपवाद स्वरूप केवल वरुणी अपने अक्ष पर इस सामान्य दिशा के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, इस कारण इसे पश्च गति वाला ग्रह कहते हैं। सभी ग्रह तथा शुद्र ग्रह एक ही सामान्य दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ग्रहों के परिक्रमण पथ को कक्षा कहते हैं। प्रत्येक ग्रह की कक्षाएं दीर्घवर्ती होती है। प्राय सभी उपग्रह अपने पैतृक ग्रहों की परिक्रमा भी इसी सामान्य दिशा के अनुरूप ही करते हैं। अपवाद स्वरूप केवल कुछ उपग्रह इस सामान्य दिशा के विपरीत दिशा में अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और उन उपग्रहों को भी पश्च गति वाले उपग्रह कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूरेनस जो है वो भी सामान्य दिशा से विपरीत दिशा में गति करने वाला ग्रह है। बुध और यम यानी जिसको अब हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, बुध एवं यम को छोड़कर सभी के कक्षीय तल एक ही तल में है जो सूर्य की विषुवत रेखा पर 7.20 डिग्री पर झुके हुए हैं। प्राय सभी उपग्रहों की कक्षाएं भी एक ही तल पर स्थित है। इस तरह ग्रहों एवं उपग्रहों की कक्षाओं में समानता परिलक्षित होती है। सूर्य का विषुवतीय तल एवं पृथ्वी का क्रांतिवृत्त समतली है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समयावधि में सूर्य की एक संपूर्ण परिक्रमा करता है तथा इस समयावधि को एक सोलर ईयर और प्रत्येक ग्रह का सौर वर्ष भिन्न भिन्न समयावधि का होता है, जो अभी मैंने आपको पहले जानकारी में बताया। सौरमंडल में सूर्य तथा ग्रहों की दूरी में एक निश्चित सीमा है जिसे हम बोर्ड की सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित कर सकते हैं। सौरमंडल में सूर्य तथा ग्रहों की दूरी में एक निश्चित सीमा है जैसा मैंने आपको बताया, इस को बोर्ड के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है। यद्यपि सूर्य का द्रव्यमान सबसे अधिक है, परंतु फिर भी इसमें सौरमंडल का कोणीय वेग संकेंद्रित न होकर ग्रहों में समाविष्ट है। सूर्य एवं ग्रहों के द्रव्यमान के अनुपात तथा ग्रहों एवं उपग्रहों के द्रव्यमान के अनुपात में समानता परिलक्षित होती है। तो इस तरह आज के इस व्याख्यान में हमने सौरमंडल के प्रमुख घटक सूर्य, हमारे लिविंग प्लेनेट पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों और उपग्रहों के बारे में विस्तारपूर्वक उनके जानकारियाँ का अध्ययन हमने आज के इस लेक्चर में किया।